नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। टीम के द्वारा एनवीएस का जो है बैच वो स्टार्ट कर दिया गया है। जो एनवीएस की वैकेंसी आई है उसमें आपका जो जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट के जो पोस्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट है और उसका सिलेबस भी देखा जाए तो वो ऐसा सिलेबस है जिसके आप लोग कहीं ना कहीं ASI वाले बच्चे जो हुए हैं, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट की किसी भी तैयारी कर रहे हो, तो वो उसी का सिलेबस ऑलमोस्ट है। बस थोड़ा सा कंप्यूटर उसमें पूछा गया, तो ASI वाले तो कंप्यूटर ऑलरेडी पढ़े थे, ठीक है, तो उसी सिलेबस पे है। बस आपको क्वेश्चंस का ये देखना है कि किस लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इसको कराने वाला TCS ही है, तो TCS के क्वेश्चंस को देख जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो था वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे जितने भी NVS के ये नॉन टीचिंग स्टाफ वाले पोस्ट थे इन सभी के पेपर जो है प्रीवियस ईयर टेलीग्राम पे डाल दिए गए हैं। आप सभी लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक पड़ी है परीक्षा प्लस की, वहां जाकर ज्वाइन हो जाएं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो नंबर चल रहा है इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं इसके मिल जाएंगे, ठीक है। तो बैचेस जो स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस आपको जो हैं 20 तारीख से प्रॉपर मिलने लगेंगी। अभी डेमो क्लासेस के तौर पर आपको वहां पर दिख रही है। समय एकदम नहीं है आपके पास, क्योंकि जो विज्ञप्ति है उसमें बताया गया है आपका कि 9 तारीख से 9 मार्च से इसका एग्जाम शुरू हो जाएगा, 9 से 11 तक चलेगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम का डेट भी दे दिया गया है। तो जहां जाहिर सी बात है कि अगर कुछ भी ऐसा कोरोना और के बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा तो आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। तो इस बैच में क्या है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट वाला, इसी अगर इस बैच को आप लेते हो और भी कोई तैयारी करना चाहते हो तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी तैयारी इस बैच से हो सकती है। ये 1000 का बैच है, 1000 का 499 में है, 50% ऑफ चल रहा है। पूरी की पूरी वीडियो क्लासेस मिलेंगी, लाइव मिलेगी और रिकॉर्डेड मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि समय बहुत कम है, ठीक है, और आपको कोर्स कंप्लीट कराना है। प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको, सेक्शनल टेस्ट मिलेगा और उनकी PDF मिल जाएगी और आपके शॉर्ट नोट्स जो होंगे, बुकलेट नोट्स जो आपके कि जितना पढ़ जाओ उसी में से आ जाए, एकदम मेन मेन फैक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे और स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। एक तो फॉर्म फिल करने वाले बच्चे कहीं ना कहीं फॉर्म का जो है एक तरह से बोला जाए रुपया रेट जो है वो काफी हाई है, 1000 रुपया मांगा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों के लिए दिक्कत देने वाली। लेकिन इस समय आपका अगर कोई एग्जाम नहीं लगा है तो एग्जाम को भरिए, क्योंकि इसमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है और जल्दी ही आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा और पोस्टिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको जल्द जॉब लेना है तो ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपकी तैयारी ऑलमोस्ट है, बस उसको एक सही डायरेक्शन में फिर से लेके जाना है कि अब किस दिशा में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। तो एक बार सिलेबस पर जिक्र कर लेते हैं। बच्चे बोल बस ये है जो आप लोग बोल रहे थे, एक मैंने कोई एक तरह से बोला जाए वेबसाइट पे कोई सिलेबस के बारे में जिक्र नहीं किया ना नोटिफिकेशन में, लेकिन जो आपका पेपर था ना प्रीवियस ईयर उसको देख के मैंने ये सिलेबस निकाला है कि ऑलमोस्ट यही सिलेबस रहेगा आपका, ठीक है। जैसे आपका जनरल अवेयरनेस में और जो आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन उसमें सिलेबस क्या देखो कितने 3 से 4 मंथ का, 3 से 4 मंथ का आप करंट पढ़ लो और लेटेस्ट सोचो कि 2 महीने का, लेटेस्ट 2 मंथ का करंट आपका अच्छा होना चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम है और SSC में जैसे पूछता है वैसे ही पूछेगा, समझ लो। हिस्ट्री में बेसिक फैक्ट पढ़ डालो, भूगोल का भी यही काम है, इंडियन पॉलिटी के भी एकदम जो जनरल क्वेश्चन होते हैं कि शपथ कौन दिलाता है, कौन से आर्टिकल में क्या है, यही सब जनरली पूछा जाता है। पंचायती राज, इकोनॉमिक्स वो भी करंट से रिलेटेड पूछेगा, स्पोर्ट्स से जो अभी खेल रहा है, विज्ञान में जनरली बायो और डिजीजेस न्यूट्रिशन यही सब पूछेगा, तो वो उसको आप लोग मैक्सिमम कवर कर लीजिएगा। जो SSC के एग्जाम में आते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके रहेंगे CHSL लेवल के। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के बारे में कि किसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इस चीजों पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो एनालॉजी वही सब चीजें, अल्फाबेट और नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, रैंकिंग, वेन डायग्राम, कॉन्क्लूजन वाला, डिसीजन मेकिंग वाला, ठीक है। डिसीजन मेकिंग मतलब वो वाला नहीं, SI वाला डिसीजन मेकिंग यहां नहीं आता है, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन आता है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग मतलब फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, मिरर इमेज, वाटर इमेज, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो एक बार फिगर बेस्ड क्वेश्चन में खासकर क्या आएगा, मिरर वाला, वाटर वाला और आपका एम्बेडेड फिगर,
इन सब पे थोड़ा सा आपको जिक्र करना है, बाकी और मैक्सिमम आप पढ़े होंगे और जानते होंगे, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैथ में बताएं तो नंबर सिस्टम, बोर्ड मास से रिलेटेड, डेसिमल से, फ्रैक्शन से, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम वर्क, मेंसुरेशन के जनरल कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत डीप नहीं, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एक एक दो दो क्वेश्चन रहेंगे। प्रॉफिट लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। स्टैटिक्स बहुत कम, ये बहुत कम चांसेस ये पूछे। स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक जो है ये आपका हो सकता है रीजनिंग में पूछ दे, हो सकता है मैथ में पूछ दे, कहीं भी पूछ सकता है। तो रीजनिंग और मैथ में ये हो सकता है पूछ ले आपका, ठीक है। पाइप एंड सिस्टर्न, तो ये आपका मैथ्स की हो गया सिलेबस। हिंदी में जनरल चीजें, संधि, संधि विच्छेद ये हमेशा पूछता है, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, ठीक है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि हो सकता है पूछ ले, बहुत कम चांसेस हैं। ये ग्रामर का बहुत कम है, यहीं से आएंगे सब, मैक्सिमम आपके वोकैब्स वाला पोर्शन, अनेक शब्दों के लिए एक से मुहावरे, ठीक है। उसके बाद से आपका जो यहाँ पे वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकांतियां, अंग्रेजी परिभाषित शब्दों का सार्थक हिंदी में शब्द हो सकता है ये आ जाए। वाच में आपका कृतिवाच, क्रमवाच या भाववाच पहचाने के लिए आ जाए। तो ये जनरली है, लेकिन जो मेन मेन है मैं बता दूं, मुहावरे, लोकांतियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। और उसके बाद से पार्ट ऑफ स्पीच में मेन मेन जो नाउन प्रोनाउन वाले हैं कि आपको पूछे इसमें कौन सी संज्ञा है, सर्वनाम, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग पहचानना, ये सब चीजें आ सकता है। वाच्य का बहुत ज्यादा नहीं, वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि भी हो सकता है, परिवाची, उपसर्ग, समास, संधि ये मेन है, ठीक है। और विलोम, अनेक शब्दों के एक लिए शब्द, और मुहावरे, और खासकर जब आप पार्ट ऑफ स्पीच में जाओगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से कुछ जनरली पूछ सकता है, ये किस प्रकार का विश्लेषण है, विशेषण है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर का नॉलेज चाहिए, बहुत डीप नहीं चाहिए। इंग्लिश में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हो सकता है, दो से तीन क्वेश्चन हो या चार पांच क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है। क्लोज टेस्ट, दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। पैरा जंबल हो सकता है कि एक आए, उसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये ना हो, लेकिन ये आएगा, एरर पूछ दे आपसे कहां पे एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आ जाएगा, ठीक है। एंटीनोम सिनोनिम्स आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, इडियम्स भी आएगा। ये तो एकदम जनरल है कि ये सब चीजें आपको आना चाहिए, मतलब वोकेबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर उतना आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रामर का उतना पोर्शन नहीं रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम आपके वोकैब्स से रिलेटेड रहेंगी चीजें, ठीक है। तो वोकैब्स अच्छा कर लो, वहीं से आपका काम हो जाएगा जो 15 क्वेश्चन यहां से आने हैं, ठीक है। तीन तीन दो दो क्वेश्चन आपके रहेंगे, बाकी ग्रामर के जनरल बहुत पूछेगा, तो आपको वॉइस कहीं पूछ सकता है, एक्टिव से पैसिव बनाना या, ठीक है, ये पूछ सकता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, क्योंकि एसएससी यूएससी में एक दो क्वेश्चन रहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, जो पैटर्न वहां पे मिलेगा उसको सिलेबस एक बार आप लोग एसएससी सीएचएसएल का पेपर देख लीजिएगा जो रिसेंट में हुए हैं, उन सभी को देख लीजिएगा, क्योंकि उसको टीसीएस करा रही है, इसको भी टीसीएस ही कराएगी। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो एकदम बेसिक्स में पढ़ा रहा हूं, इसमें आप लोग एकदम वही पूछेगा, बेसिक्स कॉन्सेप्ट से पूछता है, तो हिस्ट्री वाला पार्ट इसका, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या है, डिफरेंट जो पार्ट है कंप्यूटर के, कीबोर्ड, माउस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं उनके बारे में, सीपीयू का क्या होता है, उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या होता है, जैसे एक तरह से बोले जाए कंप्यूटर आर्किटेक्चर जिसे बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद से नेटवर्किंग के जनरल टर्म्स पूछेंगे, ठीक है, कुछ कि क्या होता है, इंटरनेट से रिलेटेड यूज क्या है, ठीक है, आपसे इसमें पूछे ई कॉमर्स क्या है, एम बैंकिंग क्या है, इनसे रिलेटेड टॉपिक यहां से पढ़े जाएंगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड पढ़ लो, एक्सेल पढ़ लो, ठीक है, कुछ फॉर्मूले एक्सेल में देख लो, वर्ड के देख लो जो आप खोल के जनरली काम करते हो, शॉर्टकट कीज जान लो, बस इतना ही इनफ है, ठीक है। उसके बाद से डाटा हैंडलिंग के लिए, मतलब ये एक्सेल, डाटा हैंडलिंग मतलब एक्सेल के फंक्शंस को जान लो, फॉर्मूले को जान लो, आइकन्स, टूल बार्स, सर्च इंजन, कुछ मतलब बेसिक नॉलेज है ये। तो सर्च इंजन जो आप यूज कर रहे हो, तो पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, कौन सा विंडोज का वर्जन नहीं है, ये विंडोज कब आया, तो जनरली क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनाए जाते हैं। तो बहुत ही बर्डन नहीं लेना है कि बहुत बड़ा सिलेबस है कैसे कवर होगा, ये आप पेपर देखो, ठीक है, प्रीवियस ईयर आपको एनालाइज हो जाएगा कि अभी आप पेपर करोगे ना तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन 130 क्वेश्चन है, तो आपके मैं बता रहा हूं कि 60-70 क्वेश्चन तो आराम से सही हो जाएंगे, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लोगे उसी बेसिस पे तो अच्छे खासे मार्क्स होने लगेंगे, ठीक है। अगर आपको बैच से जुड़ना है तो जल्दी करिए, बैच से जुड़ जाइए। कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या है, तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं।
ठीक है। और जितने बच्चे नए हैं चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगर इससे रिलेटेड एनवीएस से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए वो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो लेट ना करिए, आप परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और एनवीएस का वहाँ बैच है जीएस जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जीएससी के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर पूरी क्लासेस मैं बता दे रहा हूँ लाइव और रिकॉर्डेड मोड में मिलेंगी, और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं प्रॉपरली, आपको 20 तारीख से अच्छे से चीज़ें मिलने लगेंगी, नोट्स भी मिलने लगेंगे, टेस्ट भी आपका जल्द ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।